हाँ करो जी, करो करो ऊपर लो। ठीक है साहब, देखिए आज हम गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हैं और हमारे साथ में है चौधरी राकेश टिकेत जी, तेजिंदर विर्क साहब हैं, मान साहब हैं और तमाम कार्यकर्ता जो सेवा कर रहे हैं टेंट बनाने की। और ये बड़ा दुखद विषय है कि पिछले 6 माह से किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज ये तीसरा या चौथा नंबर है जो तूफान से बार बार मोर्चा तहस नहस हो जाता है, किसानों को काफ़ी वहन करना पड़ता है, मदद मांगनी पड़ती है, लेकिन एक सरकार है कि सरकार को शर्म ही नहीं आती। आज आप देख सकते हैं कि टिकेत साहब खुद, क्योंकि यहाँ पे मजदूरी और लेबर से कोई काम नहीं कराया जाता, विर्क साहब हैं, टिकेत साहब हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं आपके सामने हैं जो खुद जो है टीन चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसी विषय पर हम आज टिकेत साहब से और दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। टिकेत साहब, संयुक्त किसान मोर्चा के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है और आपसे एक सवाल है कि ये आज 5 या 6 बार का विषय है कि बार बार जो है बारिश होती है, बारिश में जो है टेंट फट जाते हैं, पानी बह जाता है और तमाम दिक्कत और परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है या सरकार की हठधर्मी है? चौधरी टिकेत साहब, इस नुकसान का जिम्मेदार तो सरकार है, उसकी हठधर्मी है पूरी। और इस तरह देखोगे ये कंस्ट्रक्शन हो रही, एक इधर हो रही जो कच्ची कंस्ट्रक्शन है, ये घुमाओगे ये वाली, ये ऊपर ये काम कर रहे, ये पूरे मोड़ से बहुत टूट गए। एक तूफान आवेगा तो कई लाख रुपए का नुकसान होता है, बांस का, लेबर का, इनका सब चीज़ों का। और ये पक्की करनी पड़ रही क्योंकि बरसात होगी, बरसात में ये नहीं रुक रही, इसका बड़ा नुकसान हो रहा। तो एक बार ये डाल देंगे, फिर जब जाएंगे यहाँ से मोर्चा जब जाएगा तो कहीं दूसरी जगह काम आ जाएगी, तो उधर के पन्नी और वह तिरपाले फटती है तो वो कहीं काम नहीं आती। और किसान ये लगा के चलो कि आंदोलन लंबा चलना है, छोटा नहीं चलना, लंबे की तैयारी कर लो, सरकार से आर पार की होनी है। सरकार एलिगेशन लगाएगी, अब कोरोना का एलिगेशन लगा रही, वो लगाती रहेगी। अपने आंदोलन को इनको मजबूत रखो, सोशल डिस्टेंस का पालन करो, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को करनी पड़ेगी, जितने भी मोर्चे हैं गांव में भी बीमारी है, इसका भी अपना ध्यान रखो। और अपने मोर्चे भाई पक्के मोर्चे लगा लो अपने गांव से आण के, ये नहीं क्या किसी के दूसरे के झोंपड़े में आकर रुकोगे। अरे अपना बनाओ, अपना जाओ, अपनी ट्रोल ले जाओ, उसी का अपना बनाओ, ये नहीं कि आए दूसरे के पे रुक रहे, अपना बनाओ भाई, जान आन के अपना लग रहे। आज अपने बहुत ट्रोलियाँ आ रही और नए मजबूत हुए बन रहे हैं। नहीं, जैसे आज से पहले भी कई बार तमाम नुकसान हुए हैं, तो अस्थाई मोर्चा था तो इसको भी पक्का करने का निर्णय टीन शेड से ये निर्माण यहाँ पे किया जा रहा, तो जो ये खाने का सामान या दूसरी तरह की चीजें थी उनका भी बार बार नुकसान होता रहा है। हाँ, उनका भी होता रहे नुकसान, तो बहुत बहुत नुकसान उनका होता रहे। देखिए आप देख सकते हैं टिकेत साहब हमारे साथ थे और खुद जो है यहाँ पे टेंट बनाने की सेवा में लगे हुए हैं, विर्क साहब हैं, तमाम लोग हैं और बड़ी सावधानी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो आपसे बस एक छोटा सा सवाल था, फिर आप अपने काम करेंगे, कि कई बार इस तरह के नुकसान हुए हैं तो इससे किसान संगठन को काफ़ी नुकसान भी हुआ होगा, तो क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है? परेशानियाँ झेलनी पड़े, जब पानी आता है ऊपर से वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। हमको जो अपने ये लगाने पड़ेंगे, ये हमको यहाँ से राइट साइड में जिधर सड़क की ऊंचाई होती है हमको वहाँ पर लगाने चाहिए। बहुत हमारे जो टेंट हैं वे लेफ्ट साइड में लगे हुए हैं जहाँ से सड़क की ऊंचाई है, तो वहाँ से पानी आता है तो वो सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ करता है। तो पानी कहाँ से आता है, किस तरह का उसका डिजाइनिंग है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि ये पक्के मोर्चे हैं, वैसे सड़कें हैं, इनका ढाल है सड़कों का, तो नीचे हमको या तो चारपाई चाहिए या तकत चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी गांव से लोग आवे इन सब चीज़ों को लेकर आवे, बड़ा नुकसान होता है, बांस का, बल्ली का, इनका नुकसान होता है, पन्नी का नुकसान होता है। तो पक्की अपना टींड डाल लो भाई, ये हो सकता है कि मई 2024 तक आंदोलन चले।
तो ऐसे नहीं, मैं 2024 तक भी आंदोलन चल सकता है, सरकार इतनी अटधर्मी पे आ रही तो यहाँ से जाएगा किसान है नहीं। आपका एक पहली बारिश के बाद एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप खुद सब इंतजाम देख रहे थे और बहुत सारा पानी ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो नुकसान करता है, तो उसके बाद भी 2-3 बार बारिश हुई, तो इनसे सीख लेते हुए अब क्या सभी लोग यहाँ पे पक्के मोर्चे का निर्माण कर रहे हैं? सभी यही बना हुए क्योंकि सर्दी में भी काम करेगा, पता नहीं कैंक सर्दी रहना पड़ेगा, कैंक बारिश रहना पड़ेगा। अब ये तो पटू जाएंगे, ये 6 महीने में 3-3 बार बदल लिए पन्नी, और ये इनका खर्चा भी है, अपना टींड ले आओ अपने गाँव में ले जाना, फिर तो पक्के टींड का ही निर्माण करना पड़ेगा। यही रुका अगर इसके नीचे अपना बांस का उसका झोंपड़ी का उसका लगा लो तो ठंड कम लगेगी, क्योंकि अब बरसात आएगी, आगे फिर सर्दी आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, तो क्या पता कैंक साल रहना पड़ेगा, ये तो अभी पता ही नहीं। नहीं तो अब मैं अगर ये कहूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अब इस तरफ हैं या इतने आश्वस्त वो हो चुके हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा, ये अलग बात थी, लेकिन किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि सरकारें इतनी अहंकारी और निष्ठुर भी होंगी कि 6-6 माह देश में सड़कों पर किसान होंगे जो लाखों किसान हैं। तो अब आंदोलन लंबा होगा ये बात ठीक है, लेकिन लंबे आंदोलन के लिए लंबी तैयारी भी आप लोगों ने कर ली है। पहले आप 6 माह की बात करते थे कि 6 माह का राशन लेकर 26 तारीख को हो जाएंगे, 26 तारीख को 6 माह हो जाएंगे, और जब किसान गांव से चला तो उसने कहा कि हम 6 महीने का राशन लेकर चल रहे, तो आधा साल तो हो गया ना, अब आने वाले टाइम पर और कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं पता। सरकार बातचीत करना चाहते अब बात करते, कोरोना काल चल रहा वे भी ठाल दिए हैं, सब लोग ठाल दिए हैं, क्योंकि जो कानून आए थे वे कोरोना काल में ही आए थे, उसको कर ले, और नहीं तो कितना लंबा चलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। अपनी मजबूत कंस्ट्रक्शन करो भाई, अब तो जब तक सरकार नहीं मानती अपना चलाओ। एक बड़ा गंभीर सवाल है और ये सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को जरूर सुनेगी, क्योंकि ये हमारा अधिकृत पेज है, बहुत लोग इसको देखते हैं, बहुत लाइव शेयर होता है। जिस कानून को सरकार ख़त्म करने वाली थी, अभी कानून होल्ड पर हैं, जिन तीनों कानून में संशोधन किया था, आज उसी कानून से जिस कानून को खराब बताते थे, सरकार ने आशंका जाहिर की है कि दालों का स्टॉक हो सकता है, जमाखोरी हो सकती है, और उसी कानून के तहत ऑर्डर निकाला है, तो जो किसानों की आशंकाएं थी वो सच साबित हुई, इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? सच तो साबित होगी, जब कानून बना दिया तो जो बड़े घराने हैं तो स्टॉक करेंगे और वो फिर महंगे रेट में बेचेंगे, ये तो आशंका ठीक है। जो किसानों का आरोप था कि जमाखोरी बढ़ेगी और उससे जो है जनता को महंगा मिलेगा, तो वो कानून वो आशंका सच साबित हो रही है, और ये उपभोक्ताओं को भी सोचना चाहिए। टिकेत साहब ने कहा कि आशंका नहीं ये सच है, और उसी कानून से सरकार ने एक चिट्ठी जारी की है राज्यों में कि अगर कोई जमाखोरी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये कानून खत्म हो गया होता तो फिर क्या सरकार करती? फिर जरूरत ही नहीं थी, फिर कानून बना हुआ ही था, फिर जमाखोरी कोई करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये कौन से उससे करेंगे कानूनी उससे, क्योंकि जब कानून बना दिया अभी तो होल्ड पे है और उसके बाद भी जमाखोरी हो रही है, तो सरकार की आशंका तो ठीक है, सरकार की भी जनता की भी, इस कानून को रद्द करें, कानून को वापसी ले, MSP पे कानून बनावे तो जब ही कंट्रोल होगा, नहीं तो वैसे कंट्रोल होने वाला नहीं है। जो बड़े कंपनियां हैं वे स्टॉक करेगी माल को, फिर महंगे रेट में बेचेगी, ये सारा काम करेगी। पिछले 2 दिन से भाजपा का एक प्रचार और प्रोपगेंडा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी किसानों के साथ 1200 रुपये का DAP का कट्टा था, उसमें सब्सिडी बढ़ाई नहीं गई, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी दाम DAP के इतने नहीं बढ़े हैं, हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम है उस पर टैक्स इतना है कि उसके कारण पेट्रोल भी महंगा है और खाद भी महंगा हो गया था। अब अचानक सरकार ने NBS की सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया और इसको बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया, तो इस पर क्या राय है किसानों की, क्योंकि आप किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी क्या राय है कि पैसे बढ़ा के और फिर पैसे घटा दिए कहने लगे जीत होगी? भाई किसान का 1200 रुपये का कट्टा 1900 कर फिर वापसी 1200 का कर दिया तो जीत होगी, और 1200 रुपये से कितने कम हो रहे तो उसमें सोच सकते हैं कि भाई हाँ इन्होंने ठीक काम करा, कोई 1200 की चीज थी 1900 का कर फिर 1200 का कर दिया, तो ऐसे नहीं होता ना, इससे तो नुकसान किसानों को होता है। पिछले साल कोरोना काल में आपकी एक बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री के साथ,
मेरे ध्यान है इन्हीं दिनों की बात थी और आपने एक डायरेक्ट सब्सिडी का सवाल उठाया था और वो बहुत साल पहले फैसला भी हो चुका कि जो सब्सिडी किसानों को देती है, जैसे 40,000 से अधिक करोड़ से अभी ये सब्सिडी बढ़ा के ये कंपनियों के खाते में जाएगा, तो किसान संगठनों की हमेशा एक मांग रही है कि किसानों को सीधा पैसा दिया जाए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीधा और ट्रायल का है ना कि भाई आप उसको करो, और जितनी भी सब्सिडी थी, सबसे ज्यादा सब्सिडी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से सब्सिडी बढ़ाओ और वो सीधा डायरेक्ट किसानों को दो, तो उससे किसानों को लाभ होगा, उससे तो कहीं जाएगा तो कंपनी को लाभ होगा, कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर कंपनियों को लाभ की वजह से उसको किसान को नहीं दिया जा रहा। लाभ फर्टिलाइजर कंपनी को होता है, उत्पादन कम होता है और दिखा जाता है और पूर्ण रूप से सब्सिडी का बड़ा खेल देश में है। दो कंपनियां सब्सिडी के खेल में, अभी सीबीआई ने एक केस दर्ज किया है, एक आईपीएल है उसके एमडी है गहलोत, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और उन पर आरोप ये है कि उन्होंने महंगे उर्वरक जो है आयात किए हैं, तो ये जो सब्सिडी का खेल है ये भी खुलने लगा, तो क्या इस मांग को आप और मजबूत तरीके से उठाएंगे? मजबूत तरीके से करेंगे पूर्ण रूप से, जो डायरेक्ट सब्सिडी है वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नहीं तो ये कंपनियां पूरा जो किसान की सब्सिडी है वो भी खाएगी और कंपनी के खाते में जाएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए टिके साहब आपका धन्यवाद। देखिए आप संयुक्त किसान मोर्चे के पेज को देख सकते हैं किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे ये निर्माण कार्य चल रहा है और टिके साहब खुद इसके अगुवा हैं और काम करवा रहे हैं खड़े होकर, और उन्होंने ये कहा है कि ये अब हम कच्चे निर्माण नहीं, अब टीन सेड या दूसरे तरह के निर्माण करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से रात में भी किसान छत पे ऊपर जो है अपने जो आशियाने हैं, जो टेंट हैं, उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि शर्माती ही नहीं, सरकार को शर्म ही नहीं आती कि किसान और उनके नागरिक किस स्थिति में हैं। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। टिकेत साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद।